आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलने का सही तरीका। जैसे देखिए, बहुत लोग कट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब सिलते हैं तो सिलने के बाद उनका पफ सही से नहीं बन पाता है, जोड़ते टाइम पल्ला आगे पीछे भी हो जाता है। इसमें मैं सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगी, साथ में मैं आपको पफ लगाना भी बताऊंगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे आपको पहले जोड़ना है। इसका फिनिशिंग आप देखिए, इसमें मैं अस्तर भी नहीं लगाई हूँ, इसमें मैं पफ लगाऊंगी, इसीलिए सारा मैं क्लियर करके बताती हूँ। पहले समझिए, यहाँ ये हमारा कट है तो आर्मोल साइड से मिला के रखिए, और ये हमारा नीचे साइड है तो इसके ऊपर इस तरह से आपको पलटना है, लेकिन इसको ऊपर से नहीं रखना। इसे देखिए, इस तरह हम नीचे रखेंगे, कट जो हमारा है उसे हम नीचे कर देंगे, और नीचे साइड तरफ से आपको जॉइंट लगाना। आर्मोल साइड से कभी नहीं जोड़िएगा, आर्मोल साइड से जोड़ेंगे तो आपका जो कट है जोड़ते टाइम छोटा पड़ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से बराबर करते जाना है और यहाँ से जॉइंट करते जाना है। ये देखिए, कट को नीचे साइड रखिएगा, ऊपर से आगे को तीरा को रखिएगा और इस तरह जोड़ लीजिएगा। इस तरह जोड़ने से फिनिशिंग अच्छी आती है, गुलाई अच्छी बनती है, पफ सही बनती है। तो ये देखिए, इसमें ना ही मैं अस्तर लगाई हूँ ना ही पफ लगाई हूँ, फिर भी इसकी फिनिशिंग देखिए। तो चलिए मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप पफ लगाएंगे तो पहले अलग अस्तर को सिल लीजिए, अलग कपड़े को सिल लीजिए। जैसे कि यहाँ आप साफ वीडियो में देख पा रहे हैं, अलग अलग मैं सिल रखी हूँ। ये देखिए, अब आपको कपड़े को साइड कर देना है, पहले आपको अस्तर लेना है, अस्तर को उल्टे साइड रखिए, जिधर से आपका जॉइंट है उधर से ही आपको रखना है। फिर यहाँ पफ देखिए मैं लाई हूँ, ये हमारा 34 साइज़ का पफ है, ये यहाँ से मेरा लिखा हुआ कट गया है। ये 34 साइज़ का ब्लाउज है तो 34 साइज़ का मैं पफ लाई हूँ, जितना साइज़ का आपका ब्लाउज होगा उतना साइज़ का पफ लाइएगा। अब ये भी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि कितना में मिलता है, तो ये 25-30 रुपया में मिल जाता है। अगर हम हेवी लेंगे तो 50 रुपया तक भी मिलता है, और ज़्यादा महंगा लेंगे तो और ज़्यादा महंगा मिलता है। अब देखिए, इससे आपको करना क्या है, इस तरह से मैं पलट दी, पलटने के बाद इस तरह 4 डबल 4 फोल्ड मतलब समोसा जैसा बना ली और बीच में एक निशान लगा ली। ये देखिए, फिर इस निशान को हम यहाँ मिलाते हुए रखेंगे। पहले देखिए, यहाँ से हम पहले निशान लगा लेते हैं, शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ते हुए ये देखिए 10 इंच के दूरी में आपको निशान लगाना है। ठीक है, निशान वहीं लगाइएगा जहाँ आपका प्रिंसेस कट का सिलाई है। ये देख पा रहे हैं आप, सिलाई के ऊपर ही मैं निशान लगा रखी हूँ। अब देखिए, इसे जहाँ मैं निशान लगाई हूँ इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान के ऊपर निशान हम मिलाएंगे और यहाँ उंगली छपा के रखेंगे। ये देखिए, उंगली को ढीला नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर पफ इधर उधर हो जाएगा, फिर आपका डबल परेशानी बढ़ जाएगा, फिर आपको खोल के सीधा करना पड़ेगा। इसीलिए उंगली छपा के रखें और मशीन के अंदर करते हुए यहाँ आपको बीच में सिलाई लगाना है। अगर आपको यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, मतलब कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुई से भी यहाँ फंसा सकते हैं, सुई में धागा डाल लीजिए और यहाँ फंसा लीजिए, थोड़ा मजबूत से यहाँ सिलाई लगा दीजिएगा। ये सिलाई हम बाद में नहीं तोड़ेंगे, ये सिलाई यहीं रहेगा। ये देखिए, इधर से और इधर से घुमाते हुए हम लंबा लंबा सिलाई दोनों साइड से हम दे देंगे। ये देखिए, इसे हम नहीं तोड़ेंगे, मजबूत करके ही देना है आपको, फिर मशीन को निकाल देना है। ये देखिए, बहुत लोगों को नहीं कर पाते, जैसे मशीन अंदर नहीं कर पाते हैं, जो भी सीखना शुरू किए हैं उन लोगों के लिए मैं बोली कि धागे से भी आप फंसा सकते हैं, अगर आपको मशीन से लग रहा है कि इधर उधर हो जाएगा तो। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा धागा जो कट उसे कट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसे देखिए मैं इस तरह से सीधा कर दूँगी। ये देखिए सीधा कर दी मैं, तो अब देख पा रहे हैं कि इसमें कपड़ा पूरा अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया है, अंदर ले लिया है कपड़ा। मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ, ये देखिए कहीं से भी कपड़ा मुड़ा नहीं, बहुत ही सुंदर ये पूरे कपड़े को अपना अंदर ले लिया है, अस्तर को ले लिया। ये देखिए, कहीं से भी मुड़ा नहीं है, उल्टा साइड से भी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, और इधर से भी देखिए। अब देखिए, इस साइड से अस्तर साइड से आपको जो हमारा पफ में जो साइड से जो खाँचा बना हुआ है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। इस तरह से आप लगा, मीडियम सिलाई इसमें लगाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लगाइएगा। ये देखिए, मीडियम सिलाई लगा दीजिएगा, ये सिलाई को भी हम नहीं तोड़ेंगे, इसी तरह यहाँ फिक्स रहेगा। ये देखिए, कहीं से भी कपड़ा नहीं मुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत लोग से होता क्या है कि जब बनाते हैं तो कपड़ा बहुत यहाँ मुचड़ा जाता है, लेकिन देख रहे हैं साफ इसमें दिख पा रहा है, कहीं से भी कपड़ा मुड़ा नहीं है।
अब देखिए उल्टा साइड तरफ से भी देखिए, कहीं से भी नहीं मुड़ा है। तो सेम प्रोसेस से आपको दूसरा पफ भी लगा लेना है। शोल्डर से आप नाप लगा लीजिए और फिर उसी तरह से यहाँ चपा लीजिए। ये देखिए सिलाई आगे पीछे करके आपको लगा लेना है। तो ये देखिए मैं दोनों साइड पफ लगा ली, लगाते हुए मैं नहीं दिखाई दूसरा पफ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए सेम प्रोसेस से आपको लगाना है। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको रखना है और इसके ऊपर हम कपड़े को रखेंगे। सीधे कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर इस तरह से हम उल्टा कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए होता क्या है कि जैसे पफ जो हमारा इस तरह से है तो कपड़े में सही से नहीं बैठ पाता, अस्तर और कपड़ा सही से नहीं बैठ पाता। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, इस तरह से हम पफ को बैठा देंगे। ये देखिए हाथ से इस तरह चपटा कर देंगे तो ये पूरे ये अस्तर जो है वो कपड़े में अपने आप चिपक जाएगा। ये देखिए उस तरह से क्या होता है कि उलगा उलगा लगता है, फिर कपड़े में अच्छे से सिलाई नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह से चपटा कर देने के बाद अपने आप कपड़े के ऊपर अस्तर बैठ जाता है। तो पिन से आप अच्छे से चारों साइड से अटैच कर लीजिए और फिर सिलाई इसके ऊपर आप लगा लीजिए, अस्तर और कपड़ा को एक साथ अटैच कर लीजिए। सिलाई लगाते जाना और पिन को निकालते जाना है। सिलाई एकदम किनारे में आप लगाइएगा, किनारे में लगाने से क्या होता है कि कपड़ा भसकता नहीं है। एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर लेना है। ये देखिए, अब देखिए चारों साइड से मैं सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दी, अब इसे मैं सीधा कर दी तो ये बहुत ही इजी से अस्तर और कपड़ा चिपक गया। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ समझिए नीचे साइड हम आगे की तरफ लॉक करेंगे। पहले हम देख लेंगे नाप करके कि साइड तरफ हमारा कपड़ा कितना बचा हुआ है। पीछे का पार्ट जो मैं तैयार कर रखी हूँ उसे यहाँ मिलाते हुए हम रखेंगे मार्जिन तरफ। ये देखिए, बहुत लोगों से होता है ना कि आगे का पल्ला बड़ा पीछे का पल्ला छोटा, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो पहले यहाँ मिला के देख लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ जितना है, तो अगर ज़्यादा है तो कट करके निकाल दीजिए। हाफ इंच आपको यहाँ रखना है, ठीक है। ये देखिए हाफ इंच ही मैं रखी हूँ, एक्स्ट्रा था थोड़ा तो मैं कट करके निकाल दी। सेम दूसरे तरफ से भी हम नाप लेंगे। ऐसे नाप के अब ज़रूर देखिएगा, जैसे पफ जुड़ता है ना, तो पफ जुड़ने के बाद थोड़ा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो बराबर करते हुए आपको रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से फिनिशिंग के साथ पट्टी जोड़ लेना है। हाफ इंच में एक्स्ट्रा रखी थी, एक्स्ट्रा लेते हुए हम पट्टी को जोड़ लेंगे। डेढ़ इंच का पट्टी मैं ले रखी हूँ और ये देखिए पट्टी जोड़ने के बाद ऊपर से सिलाई लगा दी, फिर एक इंच की चौड़ाई में फोल्ड करते हुए फिर मैं यहाँ सिलाई लगा दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर दी। अब मैं लगाऊंगी गले में पट्टी, तो इसके लिए मैं यहाँ पट्टी कट कर रखी हूँ। ये देखिए सिर्फ अस्तर में कट कर रखी हूँ, इसमें मैं कोई बुकरम कोई पेपर पेस्टिंग नहीं लगाऊंगी। आप लोग सोचते हैं ना कि अगर बुकरम या पेपर पेस्टिंग ना होगा तो हमारा गला जो है वो अच्छे से सफाई से नहीं बन पाएगा, लेकिन देखिए मैं कहती हूँ कि ऐसा मत सोचिए। जैसे अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप अस्तर से बना सकते हैं, अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए चारों साइड से मैं पट्टी को फोल्ड कर दी एक पॉइंट लेते हुए, फिर यहाँ जो हमारा पान सेप है वहाँ मिलाते हुए आपको रखना है। पिन से थोड़ा टेच कर देना है कि इधर उधर ना हो, और फिर हाफ इंच नहीं पकड़िएगा, दो पॉइंट कपड़े को पकड़ते हुए गले में सिलाई लगाना है। ये देखिए पट्टी और कपड़ा पकड़ के अच्छे सिलाई लगा के फिर छोटा आपको कट लगा लेना है। फिर पट्टी को फोल्ड करते हुए किनारे में आप सिलाई लगा लीजिए, फिर पट्टी को नीचे साइड हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ बारीक सिलाई लगा सकते हो या तो फिर लंबा सिलाई लगा सकते हो, तिरपाई करने के बाद सिलाई आप तोड़ सकते हो। ये देखिए इसकी फिनिशिंग, तो पूरे गले की फिनिशिंग मैं कर दी। और यहाँ देखिए इसका लुक कितना परफेक्ट, ये पफ बन के रेडी हुआ है। और प्रिंसेस कट का सिलाई देखिए कितना राउंड शेप बना हुआ है। तो इसी तरह से आप ज़रूर सिलिएगा। वीडियो पसंद लगा लाइक कीजिए, चैनल मैंने सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।